हेलो दोस्तों, मैं सोनिका और आज मैं आपको बताऊंगी कि लड़की को पटाने के लिए उनकी इन चीज़ों की तारीफ़ ज़रूर करनी चाहिए। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है, क्योंकि दोस्तों देखो, तारीफ़ एक बहुत अच्छा तरीका होता है किसी भी लड़की के दिल में जगह बनाने का, उन्हें इम्प्रेस करने का। तो आज की इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताऊँगी, क्योंकि कभी कभी ना कुछ लड़कों को ये नहीं पता होता कि लड़की की किन चीज़ों की तारीफ़ करने से ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, अच्छा असर दिखता है। तो आज की इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताऊँगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली जो चीज़ है कि लड़की की तारीफ़ करते समय आप उनकी इन चीज़ों की तारीफ़ करो जिनकी अक्सर लड़के तारीफ़ नहीं करते हैं या जिन्हें नज़रअंदाज करते हैं, तो वहाँ पे एक अच्छा इफ़ेक्ट दिखता है। जैसे कि आप लड़की की आईब्रोज़ की तारीफ़ कर सकते हो, आईलाइनर की तारीफ़ कर सकते हो, उनकी पलकों की तारीफ़ कर सकते हो। ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अक्सर लड़के नज़रअंदाज कर देते हैं। आमतौर पर लड़के ऊपरी लुक की तारीफ़ करते हैं, बट जब आप उनकी इन छोटी छोटी चीज़ों की तारीफ़ करोगे तो वहाँ पर लड़की को लगेगा कि आप उसे बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करते हो, जिसकी वजह से वो आपको ज़्यादा अटेंशन देगी। क्योंकि उसे लगेगा, उसके मन में ये चीज़ होगी कि जब भी वो आपसे मिलेगी, आप उसे उतना ही नोटिस करने के बाद उसे एक अच्छा सा प्यारा सा कॉम्प्लीमेंट दोगे, और इसी वजह से वो आपको ज़्यादा अटेंशन देने लगेगी। इसके अलावा दूसरी जो चीज़ है कि आप जो हैं लड़की की इनर ब्यूटी की तारीफ़ कर सकते हो। दोस्तों देखो, मोस्टली लड़के जब भी किसी लड़की की तारीफ़ करते हैं तो ऊपरी लुक की, यानी कि जो बाहर से दिख रहे हैं, उस चीज़ की तारीफ़ ज़्यादातर करते हैं। आइज़ की तारीफ़ हो गया, ठीक है, या फिर उनकी ब्यूटी की तारीफ़ होगी इस चीज़ से। लेकिन अगर आप इनर ब्यूटी की तारीफ़ करोगे तो इससे ज़्यादा इफ़ेक्ट दिखेगा, लड़की को लगेगा कि आप उसे बात करते समय इतने अच्छे से जानते हो, इतना अच्छा से उसे नोटिस करते हो, जिसकी वजह से आप उसके इनर ब्यूटी की तारीफ़ कर रहे हो। जैसे कि वो दिल की बहुत अच्छी हैं, उसका दूसरों को देखने का नज़रिया बहुत अच्छा है, ठीक है, या फिर वो उसका नेचर बहुत अच्छा है। इस तरीके से अगर आप इनर ब्यूटी की तारीफ़ करोगे तो वहाँ पे भी चांस ज़्यादा होते हैं कि कोई लड़की आपसे बहुत जल्दी इंप्रेस्ड हो। इसके अलावा अगली जो चीज़ है वो है हेयर स्टाइल। जी हाँ दोस्तों, देखो आपको पता है कि लड़कियां जो है ना अपने हेयर स्टाइल को बनाने में कितना टाइम इन्वेस्ट करती हैं, कहने का मतलब है कितना टाइम वेस्ट करती हैं, ठीक है, घंटों खड़ी रहती हैं कौन सा हेयर स्टाइल करना चाहिए कौन सा नहीं। तो अगर आप इसी चीज़ को बेस बनाकर उनके हेयर स्टाइल की तारीफ़ करोगे तो उन्हें लगेगा कि हाँ, जो मेहनत उन्होंने अपने हेयर स्टाइल को बनाने में करी है, जितना टाइम वेस्ट करा है, उनका उसे अच्छा असर मिला है, लड़के उन्हें पसंद कर रहे हैं। तो इस वजह से भी चांस ज़्यादा होंगे कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। एक तरह से उसकी तारीफ इस वजह से भी कर रहे हो कि आप उसको एक तरह से अप्रिशिएट कर रहे हो कि वो अच्छा काम करती है। इसके अलावा नेक्स्ट जो चीज़ है वो है आप उनके लिप्स की, उनके स्माइल की भी तारीफ़ कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, देखो वैसे तो अक्सर लड़कियों की तारीफ़ होती रहती है, ख़ासतौर पे ये जो ऐसा बॉडी पार्ट है उसकी तारीफ़ अक्सर लड़के करते हैं। लेकिन जब आप किसी लड़की से बात करते समय उसके लिप्स की, उनके स्माइल की तारीफ़ करते हो, तो वहाँ पे चांस ज़्यादा होते हैं कि कोई लड़की आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो, ठीक है। तारीफ़ करते समय आप कुछ फ्लर्टिंग लाइन बोल सकते हो कि जब तुम स्माइल करती हो तो ऐसा लगता है फूल झड़ रहे हैं, ठीक है, मतलब कि कोई ऐसे एक तरह से एक अच्छी शायरी बोल सकते हो उनके स्माइल को लेकर, ठीक है, एक अच्छा सा फ्लर्टिंग लाइन बोल सकते हो। तो वहाँ पर एक अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है कि लड़की आपको तुरंत अपने दिल में जगह दे, आपको पसंद करने लगे। तो इसी वजह से आप इन चीज़ों की तारीफ़ करने से बहुत जल्दी लड़की के दिल में जगह बना सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो उस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।